हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीत येन नमः श्री, श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमोष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा दादाती स्वपदांतिकं वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुं वैष्णवास्य श्री रूपं सागरजातम सगणदगुणात्मान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादांसः गणनिदिता श्री विशाखान्वितास्य हे कृष्ण कृष्णकुणा सिंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रि नमो विष्णु कृष्ण कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाय शून्यवादी पाशातरिणी जय श्री कृष्णा चैतनिया प्रभो नित्यान श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम रामा हरे 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 सभी को तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार अर्जुन ने सब कुछ मान लिया है कि आप ही पर ब्रह्म है उसके बाद भी अर्जुन अभी इस अध्याय में ग्यारहवे अध्याय में भगवान से विनती करेंगे कि आप कृपा करके मुझे आपका विराट रूप दर्शन कराइए तो ये किसके लिए हम जैसे अल्पमति अल्प अल्प ज्ञानी लोगों के लिए है जो इस भौतिक जगत के जो कपटी लोग हैं उनसे सावधान रह सके ठीक है ना तो हम देखते हैं विराट रूप भगवान का अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतं यत् वयक्तवचस्तेन मोहोयम विगतो मम अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा अब मोह दूर हो गया है तो सारा बहुत दूर हो गया है अर्जुन का है ना इतना अच्छा ज्ञान दिया है भगवान ने उनके ऐश्वर्यों के बारे में बताया है सातवें अध्याय से लेकर हम भक्ति योग देख रहे हैं तो विविध जगह पर भगवान ने विविध अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया है सातवें अध्याय से चालू करके सबसे पहले तो भगवान ने क्या बताया था भूमि रापो अनलो वायु कम मनोबुद्धि रेवच है ना हमारे जीवों के शरीर से भगवान ने शुरुआत की थी और फिर भगवान ने बताया था कि किस किस प्रकार ये आठ प्रकृतियां मेरी विविध शक्तियां हैं और फिर बताया था कि ये तो मेरी अपराशक्ति है इसके अलावा मेरी एक पराशक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा एक्चुअली भौतिक जगत में आता है और इसको इस अपराशक्ति के द्वारा निर्मित इस भौतिक शरीर को धारण करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है और फिर बार 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 अपने कर्म बंधनों में ही फंसकर बार बार जन्म लेता है अलग अलग योनियों में जन्म लेता है अनेक शरीर धारण करता है और जैसा शरीर होगा वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है ऐसा नहीं कि कुत्ते के गुल्ली के शरीर में वो मनुष्य के समान बिहेव करें ये नहीं होता जैसा उसको शरीर मिलता है वैसे ही प्रकृति उसको आचरण करने पर बाध्य करती है है ना मनुष्य रूप में उसको घी लगी रोटी पसंद होगी लेकिन अगर उसको एक सुकर का शरीर मिलता है तब वो तो निकृष्ट से निकृष्ट जो है वो खाने को बाध्य हो जाता है तो इस प्रकार ये प्रकृति का एक खेल है है ना? तो भगवान की ही सारी शक्तियां सब कुछ है वो भगवान द्वारा ही निर्मित है तो ये भगवान ने दसवें अध्याय में हमें बताया था हम सर्वस्व प्रभु हो सर्वं सर्व प्रवर्तते है ना तो ये सारा ज्ञान पाकर अर्जुन बोल रहे हैं कि ये सब सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है आगे देखते हैं तत्व चाव्ययम् हे कमल नयन मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है है ना तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कैसी होती है भगवान महत् को जागृत करते हैं गर्भित करते हैं और इस प्रकार ये सारा भौतिक जगत जो है उसमें एक प्रकार की हलचल हो करके ये सारा जगत निर्माण होता है है ना? तो इस प्रकार और फिर जीव को भी प्रकट करके भौतिक शरीर धारण करवाते हैं भगवान तो इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में आपसे सुना है अब हाँ यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद की जय अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है हम कृष्ण नस्य जगत प्रभव हाँ मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक है सबसे महत्वपूर्ण ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब निर्माण करते हैं सर्वव्यापी है सब जगह पर है फिर भी इससे अलिप्त है और वे कारण स्वरूप है हर चीज के हम्म हाँ? तो वे सबसे पृथक है जैसा कि भगवान ने नवे अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है जिसे अर्जुन स्वीकार करता है और उसने भली समझ लिया है हम्म आगे बढ़ते हैं अर्जुन बोल रहे हैं एवे तथ्य बम आत्मनम् परमेश्वर दृष्टमिच्छामिते रूपम ऐश्वरं पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं ठीक है यहाँ पर अर्जुन अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ये तो है कि आप मेरे समक्ष खड़े हैं और आपने मुझे इतना सारा ज्ञान दिया है जिसको मैं मान चुका हूँ कि आप ही सर्वे सर्वा है फिर भी मेरे मन में एक इच्छा है क्या कि आप इस भौतिक जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं किस प्रकार आए हैं और आप सर्वव्यापी हो गए हैं इस तो वो रूप में देखने का इच्छुक हूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है 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 यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा जहां तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं यद्यपि वे इससे पृथक है ठीक है तो ये ऐसा विराट रूप दर्शन भगवान कराने जा रहे हैं मन से यदि तक्यम मैं द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तत्मे तम दर्शयात्मा नव्ययम हे hey प्रभु हे hey योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए यहाँ पर अर्जुन समझ रहा है कि मेरी इंद्रिया जो है मेरी बुद्धि जो है वो बहुत लिमिटेड है है ना बहुत उसकी सीमाएं हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि क्या मैं समर्थ हूँ क्या मैं देख सकता हूँ क्या मैं समझ सकता हूँ मेरी ये भौतिक इंद्रियों के माध्यम से तो अगर समझ सकता हूँ देख सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम रूप दिखलाइए असीम विश्व रूप दिखलाइए तो ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है ठीक है तो हर जीव में ना हर मनुष्य में चार त्रुटियां रहती हैं जैसे कि चार वास्तविक तकलीफें हैं कष्ट है जीव को कौन से कौन से कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार वास्तविक समस्याएं हैं हमारे जीवन की वैसे ही हमारे चार लिमिटेशंस है क्या क्या है हमारी त्रुटियां हैं कौन सी कौन सी है एक तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है दूसरा हम भ्रमित हो जाते हैं तीसरा हम चीटिंग प्रोपेंसिटी रखते हैं और चौथा चौथा क्या है अह एक मिनट भ्रमित हो जाते हैं जरा क्षमा माता जी जरा बताइए या सुशील प्रभु हम गलतियां करते हैं भ्रमित होते हैं हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है ठगने की प्रवृत्ति होती है ये चार है हमारी तृटिया है ना हर हर मनुष्य में ये चार तृटिया पाई ही जाती है तो इसलिए हम जानते हैं कि हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हमारी इंद्रिया अपूर्ण है यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है तो प्रेमा भक्ति द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं इसके बारे में ब्रह्म संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है प्री मानजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदै वरदयेषु विलोकयन्ति यमशामसुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंद मादि पुरुषं तमहं भजामि हा? तो जिसने भगवान के प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगा लिया तो उसके हृदय में हमेशा वो भगवान का स्वरूप वो देख सकता है और कौन से स्वरूप में देखता है यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम श्याम सुंदर स्वरूप में उनके वो उस अचिंत्य गुणों का गुणों का गुणों की समझ रख के वो हमेशा भगवान का दर्शन कर सकता है तो इतना सुंदर वो वर्णन है तो मैं तो चाहूंगी आप सभी लोग ब्रह्म संहिता जरूर सुने पढ़े उसके बारे में ठीक है आपको पर भी सुनने को मिल जाएगी और उसका जो भावार्थ है वो लेकिन आपको पीडीएफ के माध्यम से कहीं से आपको प्राप्त करना पड़ेगा हाँ तो बड़ा ही सुंदर है इसलिए मुझे बार बार ऐसा कुछ संदर्भ आता है तो मुझे याद आ जाता है वो ठीक है तो यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है प्रत्येक जीव मात्र है अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है तो ये जब लोग हमेशा बोलते हैं ना भगवान को किसने देखा है अरे कुछ नहीं है भगवान वगैरह कुछ नहीं है तो उनके लिए आ, ये हमने बताना चाहिए कि हमारी इंद्रिया ही इतनी अपूर्ण है पूरा डार्क एकदम डार्क रूम में जाओ तो आपको अपना हाथ भी नहीं देख सकता हाँ अपना ही हाथ नहीं देख सकते तुम तो हम, आ, हम भगवान को देखने की मतलब कोई समर्थता है ही नहीं हमें है ना थोड़ी सी दूर की चीज हम देख नहीं सकते थोड़े दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको हम पहचान नहीं सकते तो इस प्रकार ये हमारी इंद्रिया अपूर्ण है इससे हम भगवान को देख पाए ये संभव नहीं है केवल भगवान की प्रेमा भक्ति में जब डूब जाएंगे तब वो प्रेम रूपी अंजन हमारे आंखों में लगेगा और तब कहीं हम भगवान का दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर भगवान अभी बता रहे हैं श्री भगवान उच पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशाह नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णाकृति भगवान ने कहा हे अर्जुन हे पार्थ अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो तो अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है फलतः यह प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म तो ये प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित है यानी क्या कि वो विश्व रूप दिखाएंगे लेकिन ये इनका नित्य स्वरूप नहीं है ये केवल भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के मात्र वो धारण करते हैं तो ये अस्थाई है तो भक्त लोग इस विराट रूप के प्रति आकर्षित नहीं होते भक्त लोग तो उनके श्याम सुंदर रूप के प्रति जो द्विज द्विभुज रूप है और बहुत ही सुंदर है ऐसे रूप के प्रति आकर्षित होते हैं ठीक है तो ये भक्तों के लिए नहीं है हाँ देखने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं लेकिन वस्तुतः तो हम जब जो भक्ति करते हैं जो प्रेम करते हैं वो कौन से स्वरूप से शाम सुंदर स्वरूप उसके अलावा भी हम कृष्ण के अलावा राम को पूज सकते हैं हम जगन्नाथ स्वामी जो है उनको उनकी पूजा कर सकते हैं या फिर नरसिंह देव है ना ऐसे किसी भी रूप से हम उनकी पूजा कर सकते हैं लेकिन प्रिय कौन सा होता है वो श्याम सुंदर द्विभुज रूप जिसमें वे कमल के समान पखुड़ियों की उनकी आंखें हैं बिंब फल के समान लाल होठ है है ना और बड़े ही सुंदर मोर पंख धारी, है ना ऐसे हमारे शाम सुंदर भगवान जो है उनके स्वरूप में भक्त लोग तल्लीन हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं पश्या दित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ तथा बहुन पुर्वाणी पश्चाशर्णी भारत हुँ? क्या बोल रहे हैं हे भारत लो तुम आदित्यो वसुओं रुद्रो अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा और न ही सुना है ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं जिन्हें पहले किसी ने भी देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है तो विश्व रूप दर्शन जो अभी कराने जा रहे हैं वो पहली बार अर्जुन को ही कराएं इसके पहले भी विराट रूप दर्शन कराए हैं उन्होंने किसको किसको यशोदा मैया को कराया है ना ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया है लेकिन वो भी पार्शियल था और दुर्योधन को भी विराट रूप दर्शन कराए हैं। जब वे पांडवों के दूत बनके उनके पास गए थे कौरों के पास गए थे और जब दूत बनने के बावजूद दुर्योधन बोलता है कि इनको कैद कर लो ये हमारे आगे जो बोल रहे हैं कि चलो राज्य नहीं तो हमें पांडवों को पांच गांव ही दे दो है ना इतना इतने तक आ थे उसके बाद भी दुर, क्या बोला था अपने अहंकार में कि मैं पांच गांव क्या एक सुई के नोक पर आने जितनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा ऐसे अहंकार भरे शब्द उन्होंने बोले थे और बोले थे कि चलो इसको ये जो ग्वाल बाल आया है जो कृष्ण आया है इनको कैद करो इस प्रकार जब बोला था तब कृष्ण ने क्रुद्ध होकर उनको अपना विराट रूप दर्शन कराया था लेकिन वो भी पार्शियल था हाँ पार्ट था उसका तो तब जब दुर्योधन ने वो विराट रूप दर्शन भी किया उसके बाद भी वो इतना मंदमती था कि तब भी वो ये नहीं जान पाया कि ये परमेश्वर है पर ब्रह्म है तब भी नहीं जान पाया उनको क्या लगा ये तो कुछ जादूगरी दिखा रहा है मुझे मैजिशियन है ये हाँ? और इस प्रकार उसकी बुद्धि एकदम मारी गई थी लेकिन तब भीष्म पितामह और अन्य जो श्रेष्ठ कौरव थे उन्होंने दुर्योधन को रोका और फिर सम्मान के साथ अर्जुन कृष्ण को वहां से विदा किया था ठीक है ना तो ये विराट रूप दर्शन हम देखते हैं महाभारत में दो बार दिखाया था लेकिन दोनों बार पार्शियल था अभी यहाँ पर संपूर्ण विराट रूप भगवान दिखाने वाले तो यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा था तथा तो अत्यंत विद्वान था तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था यहां पर यह कहा जा सकता है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है न सुना है अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं तो समस्त रूपों को नहीं देखा था न सुना था ठीक है पश्चाद्य सचराचर मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है ठीक है तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है न तु मांम शक्य से दृष्टुम अनयनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामिते चक्षुः पश्यमे योगमईश्वरं किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो ठीक है तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारी इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ एक मिनट हाँ तो शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भूजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता भक्त तो भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है न कि मन से कृष्ण की विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अभी तो अपनी दृष्टि को बदले कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता है अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की है तो भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं हमारी जब दृष्टि बदल जाती है तब तो दृष्टि दिव्य होनी चाहिए तब कहीं हम भगवान को देख पाते हैं ठीक है थीके? संजय उवाच अब संजय तो वहां पर हस्तिनापुर में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं तो अभी संजय वर्णन कर रहे हैं क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है तो वे भी विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं वहां पर बैठ करके ठीक है तो यहाँ पर कौन कौन कर रहा है विराट रूप का दर्शन एक तो अर्जुन जो एकदम प्राइमरी श्रोता है फिर संजय भी कर रहे हैं जो दूर में बैठ करके व्यास मुनि के द्वारा दिए गए दिव्य अः से ये सब देख रहे सुन रहे हैं और कौन कर रहे हैं देवी देवता आने वाले हैं ये सब देखने के लिए हाँ देवी देवता भी आकर के इसका दर्शन करेंगे ठीक है लेकिन सामान्य जन वो कर पाएंगे कि नहीं नहीं कर पाएंगे हु? क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु नहीं है ना? तो संजय बता रहे हैं संजय उवाच एवं तथो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूप संजय ने कहा हे hey, राजा इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया और वो कैसा था विश्व रूप अनेक वक्त नयनम अनेका, अनेका दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यता दिव्य माला दिव्य माल्यांबरम धर दिव्य गुलेपन सर्वाश्चर्यम देव अनंतम विश्व संजय वर्णन कर रहे हैं अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अने, अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधिया लगी थी सब कुछ आश्चर्यमय में, तेजमय में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था तो ये अद्भुत तो तो वर्णन अभी चालू हुआ है और आप लोग मार्क करें कि यहाँ पर केवल म, मतलब मल्टी uh, डायमेंशनल ये हो, होने वाला है मल्टी डायमेंशनल क्योंकि उसमें सुगंधिया भी है केवल नेत्रों से नहीं देख रहे हैं वो उसमें सुगंधिया भी है दिव्य सुगंधिया भी है है ना तो ऐसे अनेक मुख वाले अनेक नेत्रों वाले अनेक आश्चर्य दृश्य को अभी अर्जुन देख रहे हैं और उन्होंने कितने सारे आभूषण पहने हुए हैं अनेक हथियार है उनके शरीर उन्होंने पकड़े हुए और खूब सारे सुंदर मालाएं हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण किए ऐसा ये रूप दिखा यानी भगवान का विराट रूप जो है उसी में ये सब संलिग्न है सब कुछ उसी में है ये सब अर्जुन देख रहे हैं हाँ देखो इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार उपयोग हुआ है जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों मुखों पाओ की कोई सीमा न थी ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले थे किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था यह सब कृष्ण के अचिंत शक्ति के कारण था दिवी सूर्य सहस्र से यदि भाषदृशी सा सियास दास भासयस्तस्य महात्मनः यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके इतना प्रकाश था भव्य प्रकाश हम जब गर्मी के दिनों में एक सूर्य का प्रकाश जब एकदम ज्यादा प्रखर होता है उसको ही सहन नहीं कर पा रहे और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हजारों सूर्य का प्रकाश हा? उस उस प्रकार की उस प्रकाश की शायद समता इतनी हो सकती इतना वो दिव्य था तत्रस्थम जगत कृष्णम रविभक्त अनेक अपश्य देव देव शरीर उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका सो so, ब्रह्मांड के सारे ही अंश उनके शरीर में एक मर्यादित स्थान पर थे है ना एक ही स्थान पर ये ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका जो तत स विस्मया विष्ठो हृष्टरो माधनंजय प्रणम ये सा देव भाषत तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा तो देखिए अभी अलग अलग रस कैसे अर्जुन के मन में निर्माण हो रहे हैं मोहग्रस्त तो हुआ आश्चर्यचकित हुआ है ना आश्चर्य भी एक रस है टोटल रस बारह होते हैं उसमें से पांच प्रमुख है बाकी गौण रस कहे जाते हैं तो यहाँ पर अनेक गौण रसों का भी उल्लेख आने वाला है पांच प्रमुख रस कौन से कौन से हैं मैंने आपको बताया है पहला है शांत रस दूसरा है दास्य रस तीसरा है साख्य रस चौथा है वात्सल्य रस और पांचवा है माधुर्य रस ये पांच प्रमुख रस है और इसके अलावा सात गौण रस है ना? उसमें आश्चर्यचकित होना ये भी एक रस है हुँ? एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए है ना तब तक तो कैसा है ये विराट रूप तो इस प्रकार ये आश्चर्यचकित हो रहे हैं अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं शास्त्रों में बारह प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है ठीक है तो इसीलिए कृष्ण को अखिल रसामृत सिंधु भी कहा जाता है सारे ही रस कृष्ण में है बाकी हम भगवानों में देखेंगे उनके ही एक्सपांशंस उनके ही स्वरूप जो है उनमें देखेंगे तो सारे रस नहीं आते जैसे रामचंद्र जी में है ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या हम उनमें वात्सल्य हम रूप से उनसे जुड़ सकते हैं क्या माधुर्य रूप से जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते तो ये सारे रस केवल और केवल कृष्ण में है जो बारह ही रसों के आगार है है ना अखिल रसामृत सिंधु भगवान को बोला जाता है तो यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के आगार हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अर्जुन उवाच पशा देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मीशम कमलासन स्थम ऋषिश्च सर्वाश्च दिव्यान अर्जुन ने कहा हे hey भगवान कृष्ण मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ तो अभी अर्जुन बता रहे हैं कि मैं आपके शरीर में क्या क्या देख रहा हूं अनेक बाहुर दर वक्त्र नेत्रम पश्याम सर्वतो नूपम नातम न मध्यम पुनस्तवादी पश्चामी विश्वेश्वर विश्वरूप हे विश्वेश्वर हे विश्व रूप मैं आपके शरीर में अनेका अनेक हाथ पेट मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है आप में ना अंत दिखता है ना मध्य और ना आदि वो, वो विश्व पूर्ण धरती से लेकर आकाश तक पूर्णता व्याप्त था है ना तो उनका बिगिनिंग कहाँ है अंत कहाँ है मध्य कहाँ है समझ में नहीं आ रहा था है ना तो कृष्ण भगवान है और असीम है अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है किरीतिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम् पश्यामित्वाम दुर्निरिक्षम समंताम दीप्तानलारक आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है ठीक है तो उस तेज के कारण जो चकाचौंध कर रहे हैं अर्जुन उनके कारण प्रत्यक्ष वो देख पाना फिर भी उसको लग रहा है कठिन है फिर भी वो इतना देख पाया कि कितने सारे पेट है कितने सारे मुंह है है ना कितने सारे हाथ है सब कुछ अर्जुन देख रहे हैं <coughs> स्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानं त्वमव्ययं शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनं स्वं पुरुषो मतोमे आपरम आप आद्यं ज्ञेय वस्तु है ने, ने जानने लायक जानने योग्य ठीक है तो आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं आप अव्यय तथा तो पुराण पुरुष हैं आप सनातन धर्म के पालक भगवान है यही मेरा मत है <coughs> मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहूं शशि सूर्य नेत्रम पश्या दीप्त होताश वक्त स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम <coughs> आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है आपका यश अनंत है आपकी आपकी असंख्य भुजाएं हैं हैं। और सूर्य तथा चंद्रमा आंखें मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं तो इस प्रकार यहाँ अग्नि का रूप प्रकट हो रहा है है ना तो वो भगवान की स्तुति भी करते जा रहे हैं और वर्णन भी करते जा रहे है, है ना स्तुति तो कैसी है आप आधि मध्य तथा अंत से रहित है आपका यश अनंत है भगवान के शर ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं रहता कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है यह कोई दोष नहीं है तो अर्जुन जो बार बार बोल रहा है ना अनंत पूजाएं ये वो तो हम सोचेंगे ये क्या है बार बार क्यों बोल रहा है तो ये क्यों होता है जब परल परम आह्लाद में है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तब वो पुनरुक्ति करता है ये कोई साहित्यिक दोष नहीं है कि वो अर्जुन बार बार बोल रहा है दयावा पृथ्वी सॉरी दयावा पृथ्वी अदंतर द्यावा पुथेर अ, अंतरं ही त्वये के तवेदं महात्मन यद्यपि आप एक है किंतु आप <coughs> आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है हे महापुरुष आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत है ना? अब ये दूसरा भाव प्रकट हो रहा है हाँ अद्भुत और भयानक है ना अद्भुत और भयानक इस प्रकार वे सब लोग भयभीत हो रहे हैं इस श्लोक में द्याव आ पृथ्वी यानी धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा ठीक है तो दूसरे ग्रहों के लोग भी जो भगवान द्वारा पहले से ही दिव्य दृष्टि पा चुके हैं वे उनको देख सकते थे हम्म अमी ही ताम सूर संगा विशंति भीता प्राणजले योग ग्रन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि स्तुति भी पुष्कलाभी देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं तो ये देव जो अलग अलग ग्रहों पर रह रहे हैं वे भगवान की शरण ले रहे हैं। क्योंकि वे उनके अंग स्वरूप है उनके अंश स्वरूप है और इस प्रकार वे भगवान के शरीर में ही जो विराट रूप विराट रूप वाला शरीर था उसमें प्रवेश कर रहे थे हा? तो समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा तो प्रदीप तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे हुँ।

शिव के विविध रूप आदित्य गण वसु साध्य विश्व देव दोनों अश्विनी कुमार मरुद गण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं हम्म रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाकरालम लोका प्रव्यथितास्तथाहम हे महाबाहु आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंघा पाओ पेट तथा भयानक दातो वाले विराटो को देखकर देवतागण सहित सभी लोक अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ अर्जुन अलग अलग अपने जो रसों में वो जा रहे हैं उसका भी थोड़ा वर्णन कर रहे हैं पहले आश्चर्यचकित हुए थे भयानक था तो डर भी गए थे और विचलित भी हो रहे थे और आगे ज्यादा डरने वाले हैं वे हाँ तो जब भगवान काल रूप उनके सामने प्रकट करने वाले हैं ना नभस्पृशं दीप्तमनेकर्ण व्यात्तान दीप्त विशाल नेत्र दृष्टा हिवाम प्रव्यथिता धृतिम नाषम च विष्णु हे hey, ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ तो अर्जुन की अवस्था जो है वो एकदम विचलित जैसी हो गई है बहुत डर गए हैं वे है ना भय से उनका मन विचलित हो रहा है और फिर आगे क्या वर्णन आ रहा है दृष्टा कराला निचते मुखाने दृष्ट काला नलसन्निभानी सन्निभा न जाने न लभे चर्म प्रसिद देवेश जगन्निवास हे देवेश हे जगन्निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं तो ये बड़ा अद्भुत ऐसा वर्णन हम सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि इतने अद्भुत रूप भगवान उनको दिखा रहे हैं अमी चत्वाम धृष्ट राशस्य इत्र दृतराष्ट्र राष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव वनपानसंगै भीष्म द्रोण सूतपुत्रस्तथा स सहास्मदीयैर्पि योद्धा मुख्यै वक्ष्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टाकराला निभयाग्नकानि केचिद् द्विलग्न दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णि तैरुन्तमाग्ने आहा चूर्णित हो रहा है धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं उनमें से कुछ के शिरो को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं कितना भयानक दृश्य है है ना भगवान का जो काल रूप है वो क्या कर रहा है ऐसे सारे कौरव पक्ष के सारे और पांडव पक्ष के भी कुछ योद्धाओं को अपने मुंह में खींच रहा है जैसे कि समुद्र की ओर नदियां बहती जाती है अपने आप वैसे ये सारे योद्धाओं के शरीर भगवान के उस भयानक मुख में खींचे जा रहे थे और तो और कुछ के शरीर कुछ के शिरो को अर्जुन देख रहे थे कि दांतों तले वे चबाए जा रहे हैं है ना तो इतना भयंकर दृश्य एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता जैसे भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अजेय माना जाता था ध्वस्त हो जाएंगे वही गति कर्ण की होनी है न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे तो इस प्रकार उस भयानक काल रूपी मुख में ये सारे योद्धा खींचे जा रहे थे और उनको वो मुख अपने दांतों के बीच में दबा रहा था चबा रहा था चूर्णित कर रहा था है ना यथानिदीनां भवोम भूवे गः समुद्रमे वाभिमुखाद्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वत्राण्यभिविज्वलन्ति जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है उसी प्रकार ये समस्त महान युद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथा नाशाय विशंति लोकास तवापि वक्त समृद्ध वेग मैं समस्त लोगों के समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं ना? तो इतना सुंदर वर्णन है कि वो उसी प्रकार जैसे पतंगा एकदम आग देखते से दिए की लौ देखते से उस पर झपट पड़ता है उस प्रकार ये सारे योद्धा आपके मुख में बहे जा रहे हैं लेलीहसे ग्रसमान समंता लोकान समग्रान वदन इर्जलत भी तेजो भिरा पूर्य जग, जगत समग्रम भासस तवोग्रा प्रतपंति विष्णु हे विष्णु मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपने विकराल झुलसाती जुलसा, किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं तो ये सारा भयंकर रूप का वर्णन है आख्या ही को भवन आख्या ही को भवानुग्रह रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञा तुम इच्छा मी भवन तमाद्यम नहीं प्रजाना मितव प्रवृत्ति हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो आप आदि भगवान हैं मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है हुँ? इस प्रकार आप क्यों इस प्रकार का रूप धारण कर रहे हैं और आप कौन है इस विकराल रूप में तो श्री भगवान उलोस्य प्रवृद्ध प्रवृत्त भविष्य स्थित प्रत्यनिकोधा भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनाश विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ तुम्हारे यानी पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे ठीक है तो सारे ही योद्धा मारे जाने वाले हैं मैं काल स्वरूप में यहाँ पर आया हूँ और क्यों आया हूँ सभी लोगों का विनाश करने केवल पांच पांडव छोड़कर सभी लोगों को मारने आया हूं काल स्वरूप में नहीं। नहीं। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को यहाँ तक के ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं कठोपनिषद का वचन है यस्य ब्रह्म क्षत्र उतन मृत्यु से इथा वेद यत्र सह अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे हां? अब बता दिया भगवान ने कि मैं इन सब का विनाश करने आया हूँ इनको सबको मृत्यु देने आया हूँ काल स्वरूप में और अभी भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं तस्वीर यक्ष जीवा शत्रुक्ष राज्यम समृद्धम मयी वै ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भगवान की इच्छा है वो तो होके रहेगा लेकिन भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए वे क्या करते हैं कि उनको क्रेडिट देने के लिए उनको करने लगाते हैं वो वो कार्य वस्तुतः भगवान की इच्छा है वो पूर्ण होना ही है ये युद्ध होना है ये सारे लोग मारे जाने हैं ये तो होना ही है लेकिन भगवान बोल रहे हैं निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन की तुम निमित्त मात्र बनो ये तो सब होना ही है तो भगवान क्या बोल रहे हैं अतः उठो लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सभीサची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो तो अपने आप का जो कर्ता भाव है कि मैं ये युद्ध कर रहा हूं और मैं ये मार रहा हूं इसको पूरी तरह से भगवान ध्वस्त कर रहे हैं है ना भगवान क्या बोल रहे हैं ये तो सब होना ही है हा? तुम केवल निमित्त मात्र बनो ऐसे ही हम भी कुछ काम करते हैं अपने आप को पूरा क्रेडिट देते हैं कि अरे वाह मैंने ये बनाया मैंने ये बिल्डिंग खड़ी की हाँ मैंने ऐसा किया वैसा किया लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं जो कुछ होना है वो तो मेरे से पहले ही नियोजित है और मेरी इच्छा से ही हो रहा है वो तुम तो केवल निमित्त मात्र तो हम आगे पढ़ते हैं सब्य साची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि वह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि है है ना मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं ऐसे अनेक विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है किंतु इस प्रकार की शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है यह योजना क्या है यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम के भगवान के धाम वापस जाने के लिए सु अवसर है जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं देखिए समझिए इस बात को है तो हमारी हम हम लोग बद्ध जीव है बंधन में है इसके बंधन में प्रकृति के तीन गुणों के बंधन में है लेकिन हम अपने आप को क्या सोचते हैं हम सोचते हैं मैं इस प्रकृति पर प्रभुत्व तो जताऊंगा ये मेरा घर ये मेरी जमीन ये मेरा अन्न ये सब मेरा मेरा करते हुए ये मेरे परिवार के लोग है ना सब मेरा मेरा प्रभुत्व जताने की ये हमारी प्रवृत्ति है हा? हमारा नेचर हो गया है ये लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं जब तक उनकी प्रवृति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापन करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं किंतु जो को, कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है तो हमको करना क्या है करना क्या चाहिए कि भक्ति के माध्यम से हम ये जाने कि जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो कभी कभी हम पर संकट आते, है आते है कई बार संकट आते हैं कोई कोई व्यक्ति होते हैं बड़ा भारी घर बनाया और फिर क्या हुआ कि अचानक से दैवी प्रकोप हो गया भूकंप आ गया और वो घर गिर गया तो भक्त क्या सोचेगा भक्त सोचेगा कि इसके पीछे भगवान की कोई योजना है भगवान की इच्छा यही है, है ना और वो मन से शांत रहेगा लेकिन जो नास्तिक लोग है जो बद्ध जीव है जो प्रकृति के गुणों के बंधन में है वो क्या सोचेगा भगवान तो बड़ा अन्यायी है कितना अन्याय किया मैंने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया और ये सुंदर सा घर बनाया था और भगवान ने इसको कल भर में नष्ट कर दिया ये भगवान बड़ा अन्यायी है।, है ना ऐसा करते हैं ना भगवान को दोष देने लगते हैं कि मैं तो इतना अच्छा इंसान हूं फिर मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई ऐसे करके भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन भक्त ये जानता है कि हर जो भी कुछ होता है उसके पीछे भगवान की योजना रहती है हुँ? और जो हमें कष्ट भी मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलते हैं हमको तो उसमें भगवान को दोष कभी भी नहीं देना चाहिए हु? तो <clears throat> दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका सहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है हाँ। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया और जो युद्ध करने से मना कर रहा था किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा तभी वह सुखी होगा यदि कोई पर कृष्ण भावना से पूरी हो <laughs> सॉरी यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरी हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह है तो हमारा जीवन कैसे हो सकता है कि हम अगर कृष्ण में रहेंगे भक्ति में रहेंगे और जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है उसको भगवान की इच्छा स्वरूप समझ करके उससे हम विचलित नहीं होंगे तब कहीं हम आ, कर्तार्थ हो जाएंगे इन द सेंस कि हम तब भक्ति में एकदम प्रेमा भक्ति में लग सकते हैं नहीं तो हर चीज में हम भगवान को दोष देते हैं कि ये भगवान ने ठीक नहीं किया मेरे साथ इस प्रकार का विचार कभी भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए जो परिस्थिति है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल है या तो फिर भगवान की योजना है ठीक है द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम तथान्यापीरा <coughs> मैं हतास्व जहि मतिष्ठा युद्ध स्वजेता सीरणे द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो तुम केवल युद्ध करो युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे तो भगवान ने तो भविष्यवाणी भी कर दी अर्जुन की क्या बोले कि तुम शत्रुओं को परास्त कर दोगे तुम कर्तव्य रूप से ये युद्ध करो और जीत जाओगे तात्पर्य है प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं तो ये एक भगवान की कृपा है है ना कि भगवान अपने को श्रेय देते हैं कि हाँ मैंने तुमने ये किया लोगों को लगता है हाँ ये व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति को क्रेडिट मिलता है वस्तुतः ये तो भगवान का ही नियोजन है और भगवान का ही आ, कार्य भी है ठीक है अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हाँ भक्तों के माध्यम से भगवान अपनी ही योजनाएं पूर्ण करते हैं मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने ठीक है आ, कितना बचा है कितने श्लोक है इसमें माता जी अभी रुकना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए थोड़ा देखती हूँ मतलब हो नहीं पाएगा बहुत लोग अच्छा बहुत है ना अभी ठीक है तो हम यहीं पर विराम करते हैं हा? तो आगे कल से थर्टी फिफ्थ के आगे देखेंगे तो अभी तक हमने देखा किस प्रकार अनेक भावनाएं अर्जुन के मन में आई थी अनेक रस उत्पन्न हुए थे और भगवान ने किस प्रकार उनको विराट रूप का दर्शन कराया था तो उसमें क्या क्या दिखाया था अनेक देवता सभी देवता लोग और वह अपने आभूषण पहने हुए अपने धारण किए हुए उनके शरीर में ही वे देख पाए और भूत भविष्य सब कुछ देख पाए वे जानना चाहते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा वो भी देख पाए है ना भगवान ने उनको बोला कि तुम उठो युद्ध करो और तुम केवल कारण मात्र हो क्योंकि इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है ये सब मर चुके हैं अभी केवल तुमको उनका शरीर मारना है हूँ इस प्रकार वो सारा अद्भुत रूप दर्शन अर्जुन ने किया है ठीक है तो आगे हम थर्टी फिफ्थ के आगे हम कल देखेंगे और कल ये अध्याय समाप्त तो हो जाएगा ठीक है किसी को कुछ पूछना है बचपन श्लोक है जी जी प्रभु थैंक यू जी तो, तो कल आगे के कर लेंगे हरे कृष्णा आदित्य प्रभु हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद अतः मेरा एक प्रश्न ये है आज का अच्छा कि जैसा हमने आज के एपिसोड में पढ़ा कि भगवान कृष्ण जो है वो अपना विराट रूप का दर्शन लेते हैं तो उसमें एक जगह पे ये वर्णन आया है कि उन्होंने कहा है कि संसार में सभी कुछ नष्ट हो जाना है और हम भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा सब कुछ नष्ट हो रहा है सब कुछ खत्म होना है तो उन्होंने ये क्यों कहा पांडवों के लिए विशेषकर कि पांडवों के अलावा बाकी सभी चाहे कौरव हैं पांडवों के सैनिक हैं योद्धा हैं जो भी है मतलब भगवान कृष्ण जो वो तो सब का विनाश करेंगे है, उस युद्ध, के बारे में, है ना? तो उस युद्ध में सारे मारे जाएंगे एक्सेप्ट पांडव इतना बता रहे हैं वहां पर है ना युद्ध के बारे में उनके अर्जुन के मन में संदेह था ना कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं यहाँ से भगवदगीता का स्टार्ट है युद्ध करूँ कि नहीं करूं उसके लिए रेफरेंस में भगवान बता रहे हैं कि इस युद्ध में सारे ही मारे जाने हैं एक्सेप्ट पांच पांडव ये नहीं कि पांचों पांडव अमर है ऐसा नहीं लेकिन उस युद्ध में युद्ध के रेफरेंस से हो रही है ना बातें इसलिए तो उस युद्ध में सारे ही युद्ध मारे जाने वाले हैं एक्सेप्ट पांच पांडव है, है जी धन्यवाद धन्यवाद माता धन्यवाद श्रुति माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण माता जी माता जी मेरा एक तो अभी जो आदित्य प्रभु जी ने पूछा उसमें मैं ये भी समझती हूँ कि क्योंकि वो सारे पांचों पांडव देव पुत्र थे इसलिए भी उन्हें प्रभु का सानिध्य था और उनके ऊपर अच्छा आशीर्वाद था इसलिए क्योंकि मैंने जब महाभारत पढ़ा था तो उसमें ये एपिसोड आया था उसमें ये मतलब कन्वर्सेशन था कि वो क्योंकि देवपुत्र है आ, भगवान द्रौपदी से बोलते हैं कि मेरे ही पुत्र क्यों मारे जाए क्यों नहीं ये मतलब बाकी ये पांचों कैसे तो फिर वो बताते हैं कि वो देव पुत्र है इस वजह से क्या ये सत्य है वो देवपुत्र तो थे और देव कौन होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं देवता लोग बेसिकली भगवान के भक्त होते हैं. तो भक्त एक तो भक्तों का रक्षण करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही रहेंगे नहीं ऐसा नहीं, नहीं अमरता तो थी नहीं मतलब हाँ। अमर तो होना नहीं था बट युधिष्ठिर जी शरीर पर गए थे स्वर्ग में बट इसलिए भी वो बचे क्योंकि वो आ, देव पुत्र तो, क्या? अच्छे गुण थे है ना अच्छे अच्छे इसलिए उनका रक्षण हुआ बाकी तो जो लोग थे वे भक्त नहीं थे और उनका भगवान ने उनको उस युद्ध खत्म किया मेरा दूसरा प्रश्न ये है मतलब पहला प्रश्न ही सब कुछ प्रभु करते हैं श्री कृष्ण जी भगवान जैसे कि अभी पता कि हर जैसे हम लोग कुछ नहीं है हम निमित्र हैं और बकर सब कुछ भगवान करें तो यहाँ जैसे कोई निर्भया कांड होता है या हैदराबाद में एक लड़की का इतना बुरा तरीका सा होता है तो उसमें तो प्रभु कैसे हो सकते हैं और मैं ये चाह सुनूंगी कि प्रारब्ध से वो ऐसा करके आए थे क्या इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको डॉक्टर है कोई कुछ है उसके बाद यानी कि उसकी नियति ऐसी थी या वो प्रारब्ध था प्रारब्ध था तो भी इतनी जग मतलब क्या ये प्रभु की इच्छा थी क्योंकि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा मेरा मन विचलित सा हो जाता है कि मैं अगर सुबह चार बजे उठना चाहती हूँ आग भी घुल पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ समबड़ी मतलब प्रेशरिंग मी टू मतलब उठो मत ऐसा मतलब समझ नहीं आता कि ये प्रभु चाहते हैं कि मैं नहीं उठू तो मुझे प्लीज इस पर ज्ञान बांटे समझ नहीं आता तो मैं आ, आपके ये वाले प्रश्न का पहले उत्तर देती हूँ सवेरे उठने इच्छा रहती है हम अलार्म लगाते हैं सब कुछ है उसके बाद भी मैं उठ नहीं पाती यहाँ पर हाँ। क्या है मालूम है हमें भगवान ने थोड़ी सी फ्रीडम दी है बद्ध जीव तो है, है फिर भी थोड़ी सी फ्रीडम दी है हा? तो वो फ्रीडम क्या है कि हर जगह पर हम डिसाइड करें कि ये करना है कि नहीं करना ये फ्रीडम हमको है उस समय उस क्षण आपको फ्रीडम है कि आप उठे या ना उठे वहां पर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हाँ तो भगवान ने कुछ फ्रीडम जीवों को भी दी हुई है वो ये कि उस क्षण को आपको निर्णय करना है कि मैं ये रास्ते जाऊं या वो रास्ता जाऊं ठीक है वो भगवान को दोष नहीं देना चाहिए हमने कि भगवान मुझे बनाए हैं नहीं वो हम अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम सोच रहे हैं कि अरे चलो लेते ही रहते हैं ना क्या होता है ना तो ये हमारी फ्रीडम है उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं है लेकिन नहीं। जो मेजर वो होते हैं जैसे आपने वो निर्भया कांड के बारे में बताया बहुत भयंकर है वो लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए थोड़ा सा इसमें आपको ये शायद पसंद नहीं आएगा लेकिन कुछ कुछ कर्म कर्मों का प्रभाव है है हो सकता है, उस स्त्री ने पिछले जन्मों में यही एक्शन किसी स्त्री पर की होगी पिछले जन्मों में शायद वो पुरुष होगी और उसने यही एक्शन किसी पर की होगी तो उसका फल उसको मिल रहा है इस प्रकार से एक मतलब समझा जा सकता है है ना क्योंकि कोई भी बात जो है वो बिना कारण होती नहीं इसके नहीं। लिए हमने ये नहीं अपने मन को मतलब ऐसा कठोर नहीं बनाना चाहिए कि ये तो हाँ उसका कर्म होगा इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए जो व्यवहारिक है वो तो है उसकी एक्शन लेना चाहिए और ये बुरी बात है ये तो निश्चित रूप से बुरी बात है है ना लेकिन नहीं। फिर भी थोड़ा सा हम आध्यात्मिक रूप में अगर समझ समझे तो कहीं ना कहीं ये कर्मों का प्रभाव होता है ना? जो हम पर आती, नहीं तो हम देखते हैं कभी कभी दो तीन गाड़ियां जा रही है पहाड़ों के बीच में से और चट्टान गिर रही है सामने वाली गाड़ी निकल जाती पीछे वाली गाड़ी बच जाती है और बीच वाली गाड़ी पर ही पूरा वो आता है तो क्यों आता है हा? वो ना? एक क्षण क्यों भगवान ने वो पकड़ा तो ये ना? मतलब ये कहीं तो भी पिछले जन्मों का वो है है ना नहीं तो ऐसा कौन सा कार्य किए थे कि सामने वाली गाड़ी एकदम कुछ कुछ नहीं हुआ और पिछली वाली गाड़ी भी एकदम ब्रेक मार के बच गई लेकिन बीच वाली गाड़ी का चकनाचूर हो गया इसके पीछे हाँ। क्या कारण है ये सब नियति नियति इन द सेंस हमारे ही कर्मों का परिणाम है कहीं तो परिणाम है ना तो इस दृष्टि से हमने देखना चाहिए बट एट द सेम टाइम हमने कठोरता ये नहीं निर्दयी नहीं बनना है हमको कि अरे ये तो इसलिए हुआ हाँ तो वो भी वो भी मन में नहीं आना चाहिए व्यावहारिक रूप पर ये सब बुराइयां है इसका उच्छादन होना चाहिए इसको जिसने वो बुराई की है उसको कठोर से कठोर पनिशमेंट मिलनी चाहिए और हमारे यहाँ जैसे आ, किसी ने किस, किसी को मार डाला खून किया तो उसको मृत्यु दंड मिलता है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये योग्य है मृत्यु दंड क्यों क्योंकि नहीं तो वो अगर यहां पर नहीं उसने वो आम... शिक्षा अगर इसका यहाँ पर नहीं मिली तो यमराज उसको शिक्षा देने ही वाले हैं यमराज तो उसको इतनी बुरी शिक्षा देंगे उसका अगले जन्म इतने सारे उसके कष्ट में जाएंगे कि बस उससे बेटर है कि उसको इसी जन्म में कम से कम शिक्षा मिले तो उसका आगे का उतना खराब नहीं रहेगा यही पर शिक्षा भोग करके वो अगले जन्म की ओर जाएगा तो इस प्रकार से विचार है लेकिन हमने ये मतलब जो बुराई है वो तो बुराई है ही और उसको कठोर से कठोर शासन मिलना ही चाहिए ये भी है ऐसा नहीं कि हमारे पर्स सपोज चोरी हो गया तो अरे ये तो नियति का है मैंने पिछले जन्म में चोरी की होगी तो वो लेकर गया ठीक है ये मन में विचार बैकग्राउंड में रहना चाहिए उसके लिए हमने बहुत विचलित नहीं होना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम व्यावहारिक तौर पर हमने पुलिस करनी चाहिए जो कुछ उसका है है वो करना वो करना चाहिए चाहिए ही है हाँ जी जी हाँ थैंक यू हारे तो अपनी फ्रीडम को भगवान पर मत थोपिए बहुत जगह भगवान फ्रीडम देता है ये करना है नहीं करना है उस फ्रीडम को तो हमने इस्तेमाल कैसे करते हैं इस पर हमारा भविष्य भी तय होता है है ना हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण जी प्रतिमा माता जी, माता जी जो फ्रीडम के बारे में भगवान ने हमारे जो फ्रीडम दिया है उसको तो पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाने के बाद भी अर्जुन को भी भगवान ने फ्रीडम दिया था कि मुझे जो उपदेश देना है मैंने दे दिया अब तुमको जो समझ में आए तुम वो करो बिल्कुल तो सही माता जी तथा कुरु है ना आखिरी में अठारवे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैंने अब तुमको ये सब बता दिया है इसके बाद तुमको अब जो करना है करो ये फ्रीडम दी है भगवान तो इतना मतलब उस फ्रीडम का हम कैसे इस्तेमाल करते ये इसके अनुसार हमारा जीवन बनता है इसके अनुसार हमारे अगले जीवन भी बनते हैं है ना तो कौन नहीं, नहीं तो भक्त लोग क्यों ऐसे तीन बजे उठ के हाँ जी माता जी उदाहरण में देकर समझाना चाहती हूँ जैसे कोई अध्यापिका है वो कक्षा में सभी विद्यार्थियों को पढ़ाती है है शिक्षा देती लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो चाहे वो विद्यार्थी गलत करे लेकिन उस समय वो अध्यापिका जो है उसको नहीं संभालती है वो छोड़ देती है कि उसको वो गलत कर रहा है कि ठीक है क्योंकि तो उन्होंने पहले से ही उनको उपदेश शिक्षा दी रखी थी बिल्कुल हम, हम समझ सकते हैं कि भगवान भी हमें फ्रीडम देकर रखते हैं हमें भगवत गीता जैसी मैनुअल दे दी है इसमें सब कुछ लिखा है अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले या ना चले अगर चलेंगे तो उनके प्रिय हो जाएंगे और नहीं चलेंगे तो इन कर्म फल जो है वो हमें माफ कभी नहीं करता है पर भगवान इतने दयालु हैं कि उनको अगर हम उनके शरणागत होते हैं तो भगवान जरूर आ, कुछ हद तक माफ कष्ट कम कर देते हैं लेकिन हमारे जो कर्म है वो हमें कभी माफ नहीं करते तो हमारे ज्यादातर हमें अपने कर्म पर ध्यान देते हुए भगवान के शरणागत होना चाहिए जी माताजी बहुत अच्छे बहुत अच्छा उदाहरण दिया अध्यापिका का कि वहां पर वो हस्तक्षेप नहीं करती वो टीचर है ना वो अब तुम लिखो जैसा तुमको लिखना है वैसे अपना जीवन भी है है ना तो हर समय हमारे जीवन में ऐसी दो राहें आती रहती हर पल दो राहें आती है कि मैं अच्छा बोलू बोलू या बुरा बोलू किसी ने हमसे झगड़ा कर लिया उस समय हम हमारी फ्रीडम है कि हमारे मुख से क्या निकले गंदे शब्द निकले या हम उसको सहन कर जाए ये हमारी फ्रीडम है लेकिन अब उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करके अगर हम उसका दोष भगवान पर देंगे तो ये ठीक नहीं कि भगवान ही चाहते थे मेरे मुंह से बुरे शब्द निकले नहीं ऐसा नहीं तो ये बहुत माइन्यूट फ्रीडम दी रखी है हमको और उसी के सहारे हमारा जीवन बनता है वो फ्रीडम को हम कैसे दें? जैसे हम तटस्थता शक्ति के अंतर्गत आते मैंने बताया था कंपाउंड वॉल पर बैठे हैं हम लोग हम चाहे तो हम आध्यात्मिक जगत में जाएं हम चाहे तो भौतिक जगत में पड़े रहे है ना तो कंपाउंड वॉल पर है हम तटस्थता शक्ति है तो हर जगह फ्रीडम है ठीक है चलिए सुदीप्ता माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुदीप्ता माताजी हरे कृष्ण जी माता जी मुझे ये बोलना था कि आपने कहा कि विश्व मतलब और संजय देख रहे थे देवगन देख रहे थे और अर्जुन देख रहे थे माता एक जगह देखा या पढ़ा मैंने कि उन्होंने नंदराज को भी दिखाया था नंद महाराज का तो मेरे को नहीं मालूम माता जी ऐसे था कि जब आ, लोब, मतलब आ, ने एक आदमी को भेजा था गोकुल और सारे ग्वालिया मतलब उनको बहुत कम पैसे में अपना माखन दूध सब बेचने को तैयार हो मतलब ज्यादा वो डबल पैसा दे रहे थे जैसे एक मटकी का अगर एक आना होता है तो वो दो आना दे रहे थे तो सारे के पूरा गांव तैयार हो गया था उनको सारा माखन देने के लिए तो उन्होंने नारायण के नाम का शपथ करवाया था कि जितना भी दूध दही घी माखन होगा सब मुझे ही देना पड़ेगा आप लोगों को दो बार उन्होंने पैसा दिया फिर से फिर बोले कि आप लोग मथुरा ले आओ फिर ये लोग सब गाड़ी भर भर के मतलब सकट भर भर के ले गए मथुरा फिर उन्होंने कहा कि ये तो सब राजा के लिए है अब पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आप लोगों ने शपथ ली है तो जिंदगी भर आपको ये देना ही पड़ेगा हम्म ये तो, मैंने नहीं सुना हुआ माता जी माता जी कहीं मैंने ये कहानी पढ़ी है इसीलिए अचानक अच्छा, मुझे याद आया तो उन आ, लास्ट में मतलब कंश कहते हैं ठीक है एक शर्त पे आप लोगों को हम माफ कर सकते हैं कि आप जाके आपके राजा को बोलो अपने बेटे को लेके मेरे पास आने के लिए अच्छा फिर वो लोग वापस आते हैं फिर उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ तो नंदराज बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने मतलब मंदिर में जाके रोक के बोलते हैं कि मैं क्या करूं मैं राजा हूं पर मैं पिता भी तो हूं मैं कैसे लेके जाऊं उनको और वो अपने शालग्राम शिला को धोते हैं पूजा कर मतलब नहलाते हैं फिर चंदन लगा के पूजा करते इतने में छोटे काना आ जाते हैं आके पूरा शालग्राम मतलब वो जब आग बंद करके स्तुति कर रहे होते हैं वो शालग्राम शिला मुंह में डाल लेते हैं अच्छा तो नंद नंद जी जब आंखें खोलते देखते शालग्राम शिला नहीं है और काना उनके पीछे खड़ा है मुंह में कुछ है तो उनको लगता है कि क्या है अब मुंह खोलो मुंह खोलो तो मुंह खोलते हैं तो पूरा विश्व ब्रह्मांड उनके मुंह में उनको दिखता है अच्छा ये मैंने नहीं सुनी कथा अच्छा बताया आपने मैंने सुनी नहीं है चलिए कोई बात नहीं थैंक यू माता जी हरे कृष्ण प्रियंका माता जी हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम जी, मुझे भी एक्चुअली जो अभी इन जी से पहले क्वेश्चन पूछा था उसी के बारे में पूछना है जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तो, मतलब हिंदू गर्ल्स को तंग करती है या उनको परेशान करती है उनके साथ अभद्र व्यवहार वगैरह करती है और उसके अलावा भी वो कम्युनिटी बहुत आ, मतलब नेगेटिव वो फैला रही है दुनिया में तो क्या ये सब भी कृष्णा की इच्छा से ही हो रहा है और हमें उससे आ, मतलब क्योंकि हमें वो सब देख के बुरा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या आ, हमें क्या करना चाहिए या हमें बस भगवान की इच्छा मान के उसको छोड़ देना चाहिए नहीं छोड़ नहीं छोड़ देना चाहिए हाँ हमारा कर्तव्य है कि वो फ्रीडम है ना फ्रीडम ये है कि हम निष्क्रिय बने रहे और मार खाते रहे या फिर फ्रीडम ये है कि हम कुछ एक्शन ले. लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम हमको मन में ये करना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने कुछ ऐसे एक्शन की है जिसके कर्मबंधन स्वरूप हमको ये तकलीफें मिल रही है तो व्यक्ति शाह हमने कभी भी आ, किसी से दुश्मनी मन में नहीं रखनी चाहिए हा? लेकिन एज ए कर्तव्य हाँ हमको अपना जीवन नैतिक स्तर पर रखना है उसके लिए हमने एक्शन जरूर लेनी चाहिए लेकिन मन में निगेटिविटी या उस कम्युनिटी के बारे में हमारे मन में ये रहे आ, ऐसा नहीं करना चाहिए ये बहुत कठिन है माता जी मैं स्वयं भी इसके बारे में मतलब मैं खुद भी इसके बारे में बहुत मेरे मन में प्रश्न उठते हैं आ, खास करके जो परिस्थिति आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल मेरे भी मन में बहुत सारी शंका और ये आती है लेकिन एक बार हमारे प्रभु जी से किसी ने ऐसे ये प्रश्न पूछा था नॉट एग्जैक्टली लाइक कम्युनिटी लेकिन इसी प्रकार का पूछा था तब तो यही जवाब दिया था प्रभु जी ने कि हाँ जो हुआ है उसके लिए नेगेटिविटी मत रखो लेकिन एट द सेम टाइम हमारी फ्रीडम को हमने इस्तेमाल करके और योग्य दिशा में जिससे कि ये तो भगवत धर्म है है ना इसकी रक्षा के लिए हुँ. हमने काम करना चाहिए है ना जो मते जी अब अग जैसे अगर हम हम जैसे कैसे उस क्या एक्शन हम ले सकते हैं कि जिससे मतलब वो हमारी जो बेटियां हैं हमारे जो गर्ल्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो तो एक एक्शन तो, क्या ले सकते हैं हाँ एक्शन तो ये ले सकते हैं कि अपनी लड़कियों को ये बताएं कि योग्य रास्ता क्या है है ना और पास्ट में कैसे किसे घटनाएं हुई है लड़कियों के साथ ये सब का ज्ञान दे उनको और उनको एक सुदृढ़ ना, नागरिक बनाए कोई मोह से भ्रमित होने वाली कमजोर बुद्धि ना रहे है ना एक क्षणिक मोह से भ्रमित हो करके और वो गलत रस्ते पर ना जाए इतना सुदृढ़ तो उनको बनाना चाहिए हमने और उसके लिए ये अध्यात्म का बेस बहुत जरूरी है बहुत बचपन से हमने ये सब करना चाहिए कि अपने भगवान के प्रति उनके मन में श्रद्धा हो अपने माता पिता के प्रति आदर हो है ना उनका कहना माने ये सब संस्कार तो देना माता पिता का कर्तव्य है और जो माता पिता अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो जाते हैं प्रहलाद महाराज ने इसके बारे में बताया है कि जो माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण भावना भवित नहीं बनाते भक्त नहीं बनाते वो माता पिता कहलाने लायक नहीं है ये माता पिता का कर्तव्य है है ना ये इसका भागवतम में बहुत सुंदर संदर्भ आया है कि माता पिता ने क्या करना चाहिए गुरु ने क्या करना चाहिए? उनके, क्या चाहिए उनके कर्तव्य क्या है है ना तो माता पिता तभी बने जब आप अपने बच्चे को कृष्ण भावना भावी बना सके कृष्ण भावना भावी यानी भक्त बना सके ना? जब भक्ति मन में रहेगी तो वो गलत रस्ते नहीं जाएगा उसके अंदर के जो परमात्मा है वो उसका रक्षण करेंगे लेकिन उसके लिए भक्ति करना आवश्यक है है ना तो ये हर माता पिता का कर्तव्य है जिससे हमारी पीढ़ी खास करके हम लोगों की पीढ़ी बहुत अपने कर्तव्य से गई है इसलिए आजकल के लड़के लड़कियां जो है ना वो बहुत इजीली भ्रमित हो जाते हैं गलत रास्ते पर चले जाते हैं ठीक है ना जी माता जी वो बचपन से थोड़ा करना चाहिए मंदिर में ले जाए उनको कुछ लोक बताए कुछ उनको आ, मतलब भगवान की कथाएं बताए लीलाएं बताए है ना तो इस प्रकार से उनके मन में श्रद्धा डेवलप होगी धीरे 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 वो भक्त बनने के राह पर रहेंगे और वो भक्त जब बन जाते हैं तब वो अपने रास्ते को बराबर सही चुन सकते हैं नहीं तो बड़ा कठिन है इतने ज्यादा एक्सपोजर है उन लोगों को विविध मतलब सोशल मीडिया के थ्रू इतने ज्यादा उनके प्रति एक्सपोजर से सब गंदी बातें उनके सामने बहुत आसानी से आ जाती है तो वो माया में एकदम फंस जाते हैं है? नहीं जी जैसे आपने कहा कि हमारी जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमने बच्चों को सही शिक्षा आ, नहीं दी। समय पर नहीं दी हाँ जी तो अब जैसे अब ये भी तो बोला गया है कि जो भक्त नहीं है उसके उसको आपने भगवान के बारे में नहीं बताना है क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाए मतलब उसको पॉजिटिवली नहीं लेके नेगेटिव उसमें वो करेंगे तो फिर हम कैसे अपने मतलब जो फ्रेंड सर्कल है उनको इस चीज के लिए कन्विंस करें सही बोला माता जी लेकिन जब हम माँ बाप बनते हैं और जब हम गुरु बनते हैं तब हमारा ये कर्तव्य है इट इज अट इज आवर ड्यूटी कि उनको सही रास्ता दिखाए ये नहीं कि आप अपने बराबरी के या आपसे ओहदे में बोलिए या उम्र में बोलिए उन लोगों को उपदेश देने जाए ये बिल्कुल नहीं लेकिन हर माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को सही राह पर रखे वहां पर ये नहीं देखना है कि ये अभक्त इसको मैं क्यों सुनाऊ नहीं ये आपका कर्तव्य है हाँ तो वो कर्तव्य करके आपको करना ही है अगर आप गुरु है तो आपके शिष्य को आपको योग्य सलाह देना ये आपका कर्तव्य है उस समय ये नहीं देखना है कि भगवान ने तो बोला है कि भक्तों को नहीं बताया बिल्कुल नहीं अप, आपका रोल क्या है उसके अनुसार आपको आपका काम करना ही है नहीं तो आप अपने कर्तव्य से चूक रही है, है ना नहीं। नहीं। तो अपने बच्चों को सही राह दिखाना और अपने बच्चों के ही समान जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनके छोटे बच्चों को भी आप सलाह दे सकते हो है ना अपने बच्चों के दोस्तों को भी आप सही मार्ग दिखा सकते हो क्योंकि वो उम्र में छोटे हैं और आपके बच्चों के समान ही हैं, तो उनको भी आप सही सही गलत क्या है इसके बारे में बता सकते हो शुरू में नहीं सुनेंगे लेकिन धीरे 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 आप ठीक से उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो जरूर सुनेंगे और इसका फायदा होगा तो हम लोग जो होता है ना कि टीवी और मोबाइल के कारण जो बच्चे एकदम वो हो जाते हैं उनको सही राह पर लाना चाहिए इसलिए ये हमारे जो प्रभु जी है ना उन्होंने ये बच्चों के लिए भी क्लासेस चालू की है अब छह सात साल के बच्चे इतने प्यारे होते हैं वो हमारे क्लासेस अटेंड करते हैं उनको कुछ लोग बताए जाते हैं उनको कुछ लीलाएं बताई जाती है कृष्ण की और उनको इतना इंटरेस्ट डेवलप होता है तो ऐसे ही धीरे 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 होता है फिर तो आगे जा अभी मैं आश्चर्य की बात बताऊंगी आपको हमारा मंदिर जो है मंगलोर में करीबन डेढ़ महीने से वहां पर तीन बच्चे आ रहे हैं आ रहे यानी वहीं स्टे कर रहे हैं उनके माता पिता बेंगलोर में हैं और वे उनको बैंगलोर के टेंपल में छोड़ के आए हैं और उम्र कितनी है उनकी कुछ छह सात साल के ऐसे हैं कोई दस साल का है बस और वो देर साल से वही पर कपड़े पहनते हैं लेकिन पूरा समर उन्होंने पर बिताया रोज साढ़े चार बजे नहा धो के धोती पहन के हुए आरती में शामिल होते हैं आप बताइए ऐसे बच्चे कैसे बिगड़ सकेंगे जिन्होंने देर दो तो महीना मंदिर के परिसर में उन्होंने बिताया है वो बिगड़ ही नहीं सकते बिल्कुल उनको यानी इम्युनाइजेशन जैसे होता है ना आ, कि बस अब ये रोग हो ही नहीं सकता ऐसा हुआ है उनका निश्चित रूप से तो ऐसे कितने माँ बाप कर सकते हैं जो उनकी माँ है ना वो भी बहुत इस्कॉन बेंगलुरु में एक्टिव है तो वो इतना निर्णय ले पाई कि छोड़ के आ गई बच्चों को ब्रह्मचारियों के साथ रहो यहाँ का जो रूटीन है साढ़े चार बजे आरती में शामिल होना फिर ये सुनना फिर कीर्तन करना इतने प्यार से करते हैं वो बच्चे कि मुझे रोज सवेरे में देखती हूँ उनकी आवाज सुनती हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे नहा धोकर साढ़े चार बजे भगवान के सामने हाजिर है बताइए अब वहां सुनते 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 सारे श्लोक वगैरह वो लोग अपने आप में रट जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं उनकी मेमोरी बड़ी शार्प रहती है तो आप बताइए कितना अच्छा ये है है ना ये करना चाहिए अब नहीं तो माँ को लगेगा कि अरे मैं कैसे छोड़ के आऊ खाएंगे कि नहीं ठीक से सोएंगे कि नहीं ठीक से लेकिन उन्होंने निर्णय लिया और उसको करके दिखाया मैं तो यानी उस माँ के तो बिल्कुल अः नमन करती हूँ उनको तो की उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया वो तीन बच्चे अगर कभी आप मंगल आरती में उठ के देखेंगे ना तीन बच्चे अभी भी है डेढ़ महीने से मैं देख रही हूँ पिछले महीने मैं बंगलोर गई थी तब उनसे मिली भी बड़े मतलब अच्छे तरीके से रह रहे हैं हुँ? और एंजॉय कर रहे हैं आप कहा हैं है। बेंगलोर में आप बेंगलोर में जी। हरे कृष्ण माता जी जी हरे जब कीर्तन चलती रहती है तो वो लोग प्रभु नित्यानंद जो से है। क्या बात है ना <laughs> बहुत सुंदर तो बताइए ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़ नहीं सकते है लेवल थ्री, थ्री।, थ्री। हाँ, देखिए दस साल का बच्चा है तो वो ईशोपनिषद पढ़ रहा है छोटा छोटा मतलब अपने जैसे एडल्ट का क्लास है वैसा नहीं होता लेकिन फिर भी कान पर तो कुछ कुछ जाता ही है ना उतना समझ तो पड़ती है ना ऐसा तो, हमने करना चाहिए और इसलिए तो हमारे प्रभु जी वहां पर गीता कॉलेज खोलना चाह रहे हैं जहां पर लोग आए वही रहे और भगवत गीता के बारे में भागवतम के बारे में जाने वहाँ का वातावरण देखे उस वातावरण का इतना असर होता है अपने मन पर जब हम वहां पर मंदिर में जाते हैं और वहीं रहेंगे दिन रात कुछ दिनों के लिए तो वो बड़ा असर करता है हमारे तो ये हमारे बच्चों को एक्सपोजर ऐसा देना चाहिए हम एक्सपोजर क्या देते हैं चलो समर कैंप में जाओ पंद्रह दिन रह के आओ जिससे कि हमको परेशानी ना हो लेकिन वैसा करना योग्य नहीं है हम किसके हाथों में अपने बच्चों को सौंप रहे हैं है ना पता नहीं है हमें ठीक है नरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ चलिए तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं वाचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम अनकोटि वैष्णव वृंद की जय श्री ला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब हरे कृष्ण माता जी साधु प्रणाम हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम